गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग सर। चलो आज निकालेंगे हाउ टू फाइंड बेसिसिटी ऑफ एसिड। ठीक है, चलो इतना सारा एसिड नाम लिख दिख लो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, एसिड सर डॉट स्ट्रक्चर में जाने की एड्रेस स्ट्रक्चर में जाने का आप लोग हो गया। चलो देखो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, एसिटिक एसिड, बोरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, फास्फोरस एसिड। हो गया? ऑक्सैलिक एसिड एसिडिक एसिड। चलो चले शाके, रूल क्या भैया बेसिसिटी निकालने के? अगर कौन से एक एस्पेक्ट, सुन लो, हो गया छापा छपी कर लिया, रुक जाओ पांच देख लो, अगर फोन से गप करता हुआ हाइड्रोजन पकड़ा जाए, किसे गप करता हुआ? फोन से। ठीक है, फोन का क्या मतलब होता है? फ्लोरीन। फोन का क्या मतलब होता है? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। अब भैया ये एक तरह का ट्रिक बताया, फोन, इसका फोन का मतलब सिर्फ ऐप नहीं होता है, इसका पूरा फैमिली होता है, इसका पूरा फैमिली, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है, ये पूरा फैमिली इसका लेना, और ऑक्सीजन का पूरा फैमिली लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऑक्सीजन। नाइट्रोजन का पूरा फैमिली लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का कैसा फैमिली होता है? भैया ओम सर से ट्यूशन पढ़ो, नाना पापा आंसू सर बीमार, चलो स्टार्ट करें। चलो कोई डाउट इतने में? तो अब इधर हम लोग देखते हैं नाइट्रिक एसिड का, किसका? नाइट्रिक एसिड का। नाइट्रिक एसिड का हम लोग डैश फॉर्मूला, सबको बैलेंसी पता है? बैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर नहीं पता बेटा तो एक बार याद कर लेना, देख लेना, आप लोग हजार बार बताए एक ही चीज को कितना पूछोगे। ठीक है, यही आपका नाइट्रिक एसिड का क्या है स्ट्रक्चर, पहले स्ट्रक्चर एक बार पता समझा दें कि कैसे बना। चलो हाँ, नाइट्रोजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन पांच, छह, दो, तीन, चार, पांच। कितना ऑक्सीजन है? तीन ऑक्सीजन डाल दिए। ऑक्सीजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन छह, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। क्लियर? ये देखो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, दिखा? ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, दिखा? क्लियर? ठीक है, और ये अपना देखो एक से शेयर कर लिया, अभी अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं किया, और ये देखो अपना नाइट्रोजन अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, दिखा? नहीं दिखा, देखो ना, दिखा? क्लियर? अभी देखो दोनों आप खोल के देखोगे तो एक हाइड्रोजन भी बचा हुआ है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे लिख दिए, इसका एक इलेक्ट्रॉन, ये इसका ले लिया, और ये इससे एक
अभी देखो हुआ सर बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है ना, कहां बोले तो उसमें हो गया। तो अभी देखो ऐसे स्ट्रक्चर है, दो इसके साथ शेयर किया, देखो दो इसके साथ शेयर किया, दोनों खोल के देखो ना, दो इसके साथ शेयर किया, देखो नाइट्रोजन का कितना ले लिया, क्या नाइट्रोजन कितना ले लिया, कितना आठ, आठ ने बना दस हो गया ना, दस हो गया, चार आठ कर क्यों नहीं बनना चाहिए, बनना चाहिए क्यों, अभी छोटे छोटे बच्चे हो जाओ ना, बोर्ड बनता कैसे उस तुमको समझा देंगे, ठीक है चलो क्लियर ये बढ़ाओ लिखने में ऐसा, तो ये बनेगा ठीक है। और यहाँ देखो कौन से जब कितना हाइड्रोजन कर रहा है, कौन सा कितना हाइड्रोजन कब कर रहा है, एक हाइड्रोजन तो यही ना है, तो कितना इसका बेसिसिटी, मतलब मोनो बेसिक एसिड, क्या ये एक है मोनो बेसिक एसिड, दो है डाई बेसिक एसिड, तीन है डाई बेसिक एसिड, चार है होता ही नहीं है, सर उस दिन भी आप बोले था बोला एक चीज समझिएगा, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन दो डैश का कैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या ऑक्सीजन देखो समझो बात को, ये चीज तुम लोग रफली में समझ लो ठीक है, देखो तुमको अच्छे से समझ में आ जाएगा, पहले सुनो वो बंद करो, कभी भी कंफ्यूज मत करना, बैलेंसिंग या एक दो तीन चार तीन दो एक, जीरो उधर छोड़ी दे, जीरो को जीरो किया, जिसका बैलेंसी एक दो तीन चार तीन दो एक ऐसा बैलेंसी रहता, जिसका बैलेंसी एक रहेगा उसको सिर्फ सिंगल बॉन्ड चाहिए, वो हर में कभी भी डबल बॉन्ड नहीं करेगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन या तो लेगा या तो एक इलेक्ट्रॉन देगा, अगर मेटल होगा तो एक इलेक्ट्रॉन अपना दे देगा, नॉन मेटल होगा तो एक इलेक्ट्रॉन देगा, तो इसको ये अगर कोई जिसका बैलेंसी दो है पूरा ऑक्सीजन फैमिली ले लो और इधर बेटा मांगे कार स्कूटर पूरा उसका ले लो, उसको हर में से दो ही बॉन्ड चाहिए, पता है ना, तो इसको दो बॉन्ड चाहिए, कितना चाहिए बॉन्ड, नंबर ऑफ बॉन्ड, जिसका वैलेंसी तीन है इस फैमिली में लेके चलते हैं तो क्या बैगन आलू गाजर थैला, देख तो हमेशा तीन बॉन्ड उसको चाहिए, और इधर नाना पापा सब बीमार, तीन बॉन्ड उसको भी चाहिए, समझ में आ गया, कौन सी गीत सुनाओ प्यारे, चार बॉन्ड चाहिए, चार बताया था ना, बाकी इधर सेम ही वही है, समझ में आ गया, कभी कंफ्यूज मत हो, इसका इसने वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतना उसको बन जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखा है वैलेंसी, वैलेंसी जितना उसका वैलेंसी रहेगा उसको उतना बॉन्ड चाहिए, हाइड्रोजन का वैलेंसी वन उतना वैलेंस होता है, ऑक्सीजन का वैलेंसी इसमें दो बॉन्ड चाहिए, नाइट्रोजन का वैलेंसी इसलिए इसको तीन बॉन्ड चाहिए, अभी समझ में आया क्लियर, और केमिस्ट्री जहां पर हम एक्सेप्शन तो बताए जाते हैं, अभी फॉस्फोरस पे भी तुरंत जाएंगे, तो अभी तुम बताओगे सर पांच बॉन्ड कर दिए एक्सटेंशन कैसे बढ़ा दिए, वो आएगा समझ में, परेशान है ना, समझ में आ गया, चलो अब कौन एसिटिक एसिड, अब एसिटिक एसिड इसका स्ट्रक्चर हम लोग डैश स्ट्रक्चर बनाते हैं, सी एच थ्री एक दो तीन सी डबल बॉन्ड ओ सी ओ, यही इसका स्ट्रक्चर, ये एसिडिक एसिड का स्ट्रक्चर किसका है, एसिडिक एसिड का स्ट्रक्चर, क्लियर, रूल क्या है अपने पास, रूल क्या है, फोन से अगर हाइड्रोजन गप करता हुआ पकड़ा जाए किससे, फोन से, तो इसमें कितना हाइड्रोजन फोन से गप कर रहा है, एक सिर्फ यही हाइड्रोजन फोन से गप कर रहा है, बाकी एक दो तीन ये हाइड्रोजन फोन से गप कर रहा है क्या, नहीं, तो ये रिप्लेस होगा, और बोलता है सर नहीं होगा, ठीक है ये रिप्लेस नहीं होगा, तो सिर्फ एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ, ठीक है तो बेटा इस ये है
मोनोमेरिक एसिड और साथ साथ ये वीक एसिड है। बोलो क्यों? अपने पास जो नाइट्रिक एसिड था उसमें जितना हाइड्रोजन था सब डिसोसिएट हो गया, एक कोटो बचा था, इसमें एक ही डो बाकी तीन को बच गया, इसलिए पार्शियल इसका आयोनाइजेशन होता है, डिसोसिएशन होता है, क्विक एसिड। समझ में आया? अच्छा, मतलब जो फोन से कपड़े का वो डिसोसिएट होता है। हाँ, जो फोन से कपड़े का वो डिसोसिएट हो जाएगा और जो फोन से कपड़े करेगा वो डिसोसिएट नहीं होगा। तो ये फोन से कप एक ही ऑक्सीजन हाइड्रोजन कर रहा है तो एक ही डिसोसिएट होगा, तो मतलब ये मोनोबेसिक एसिड और वीक एसिड। समझ में आ गया? वीक एसिड क्यों? क्योंकि तीन हाइड्रोजन इसके पास है। समझ में आया? कोई डाउट? और कौन था? कार्बोनिक मिटा दें, कार्बोनिक एसिड, कार्बन। ठीक है, ए है कंफ्यूजन है? नहीं, कौन सा क्या हाइड्रोजन कब कर रहा है? डायबेसिक एसिड। क्लियर? रुके क्यों भाई? बोलिए, ऑक्सैलिक एसिड। यहाँ देखो, सी से एक दो हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, सी डबल बॉन्ड ओ एच, सी डबल बॉन्ड ओ एच। कितना हाइड्रोजन गप कर रहा है? कौन से? दो दो हाइड्रोजन, दो डायबेसिक एसिड। मिटा दे, करते क्या हो? समझते भी नहीं समझेंगे कि लिखेंगे तो जब समझ जाओ तो लिखने की क्या जरूरत है? भूल जाएंगे तो गलत हो गया तो उतारो पहले एमटी में ये नहीं आ रहा है। और कौन है फास्फोरस एसिड? इसका बता दो ऊपर। सर स्ट्रक्चर बनाना सिखा दो सर, आपको बना दिए आपको याद है तो वही तो वही तो सर वो सब करने में नहीं आ रहा सीमा में एक बार बता दिए लास्ट पार्टी का स्ट्रक्चर बता दिए एक बार बस याद है। फास्फोरस एसिड का देखो, फास्फोरस वैलेंस इलेक्ट्रॉन जल्दी बोलो इलेक्ट्रॉन फास्फोरस एक दो दो चार और एक पांच कितना है ना सर? कैसा वाला सही है? कर्म तो आपसे पहले बना ट्रैविस दो तीसरा वाला कैसे होगा? अच्छा वो हाँ वो तो थी फोन ट्रैविस सही है हाँ पता है इसको पीछे वाला यस सर ट्रैविस Coordinate money is a body. Okay.
देखो कोऑर्डिनेट को ना भी तुम लोगों ने पढ़ा है ठीक है समझ में आ गया बेसिक से क्लियर। अब अपने पास क्या है बचा हुआ प्रॉपर्टीज ऑफ कल मेटल नॉन मेटल का क्वेश्चन आंसर आप लोग किए फर्स्ट पार्ट का ओके सेकेंड पार्ट का आप लोगों को बताए थे आए थे उसके बाद मेटल नॉन मेटल का रिएक्शन जो किए थे उसमें से आपका बॉन्ड पढ़ाए थे केमिकल बॉन्डिंग जो सेकेंड पार्ट बोले थे आयनिक बॉन्ड हो गया आयनिक बॉन्ड हो गया आयनिक बॉन्ड को एक और नाम से जानते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड आप लोगों को पढ़ाए थे मैं बताया देगा बताया ना तो आयनिक बॉन्ड कैसे फॉर्मेशन होता है बेटा व्हेन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज आयनिक बॉन्ड ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज आयनिक बॉन्ड इट फॉर्म बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल इसका एमपीबीपी हाई होता है इसका साइकल प्रॉपर्टीज भी आपको पता है इट आल्सो कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टन फेज और एक्वस फेज सर और वो इज अ स्ट्रांग बॉन्ड हां इट हैज हाई पीएन क्वालिटी हां सो कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी बोले तो ये हो गया तो आयनिक बॉन्ड में सारा आपका जितना भी था मेटल नॉन मेटल रिएक्शन करता है ट्रांसफर करता है हाँ। तो आपका बनता है। अब दूसरा आते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है इसमें आपको तीन तरह का लिखा है सिंगल डबल और ट्रिपल तीनों बता चुके थे आपको ये भी बताए थे सिंगल मतलब कोवेलेंट बॉन्ड मोस्टली गैस और लिक्विड फेज में रहता है सॉलिड लोन पेयर कौन पेयर क्या होता है कुछ नहीं बताए थे अच्छा तो बताए थे बेटा एक भी टॉपिक नहीं छोड़े थे ये बता रहे कोवेलेंट बॉन्ड में हर हमेशा जो आपका पार्टिकल्स जो फॉर्म होता है सब्सटेंस जो फॉर्म होता है या तो गैसियस फॉर्म में रहता है या तो लिक्विड फॉर्म में रहता है ठीक है दो चार पांच दस इसका नाम बताए थे जो आपको सॉलिड फॉर्म में मिलता है जैसे आपका सुगर यूरिया हाँ बोलो एथिलीन बॉल ये सब आपका मिलता है ठीक है क्यों मिलता है आयोडीन क्यों मिलता है हाई मॉलिक्यूलर मास सबका जितना भी आप इसको नाम बताए थे ना सबका यहाँ देख लो सबका मॉलिक्यूलर मास निकाल निकाल लेना आप लोग पहले क्या बताए थे सुगर उसके बाद क्या था कैल्शियम टेट्राक्लोराइड कैल्शियम टेट्राक्लोराइड कार्बन टेट्राक्लोराइड ठीक है ये यूरिया का ये यूरिया का है ये कार्बन टेट्राक्लोराइड है कार्बन टेट्राक्लोराइड ये क्या है यूरिया है और ये ग्लूकोज है और क्या बताए थे बच्चे लोग ये आपका नेफ्थलीन बॉल है जिसको लोग फिनॉल बोलते हैं फिनॉल और फिर आयोडीन आईफोर ठीक है ये एक्चुअली मॉलिक्यूल्स है ये क्या है आपको पता ना डिफरेंस क्या होता है मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड में डिफरेंस क्या होता है मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड में मॉलिक्यूल्स इटसेल्फ रिएक्शन करता है मतलब अपने में रिएक्शन करके बना लेता है क्लियर और कंपाउंड क्या होता है एटलीस्ट दो डिफरेंट एटम रहना नेसेसरी है ज्यादा तो हो ही सकता है इसमें देखो एक दो तीन इसमें एक दो तीन चार बस इसमें एक दो इसमें एक दो तीन इसका ऐसे जो बना दिया तो पता नहीं चलता होगा क्या है C6H5OH फिनॉल क्या नाम इसका फिनॉल जिसको लोग नेथिलीन बॉन्ड बोलते हैं एक्चुअली में फिनॉल का क्या रहा था फिनॉल ठीक है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड है ठीक है और ये आयोडीन आयोडीन तो आप लोग देख रहे होंगे अपने लेबोरेटरी में एक्चुअली बायोलॉजी के लेबोरेटरी में देखने को मिलेगा केमिस्ट्री के लेबोरेटरी में नहीं मिलेगा क्योंकि इसका ज्यादा यूज कहां होता है
बायोलॉजी के लिए बोल रहे हैं, इट इज क्लियर। तो आयनिक बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड ये सब खत्म हो गया था। चलो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सर, यस सर, ओके यहां तक मत पढ़ाओ। चलो आपके बुक में यूरिया का फॉर्मूला कुछ अलग दिया हुआ है, आप लोग परेशान ना होना, आप लोग परेशान नहीं होंगे, नहीं होना। अलग है क्या? अलग है क्या? नहीं, देखिए अच्छा आपके बुक में ये दिया है तो कंफ्यूज हो जाओगे क्या? ओके कार, अरे आपके बुक में सब चीज तो दिया, कार्बन डेटा क्लोराइड का भी तो दिया होगा, या सीसीएल को दिया हुआ है, देखो एल्कोहल का भी दिया, सब चीज का दिया हुआ है, सब चीज का दिया, देखो इसलिए कंफ्यूज मत होना, स्ट्रक्चर इधर उधर है तो प्रॉपर्टी जब सबका हो गया था। हाँ अब आपका एक टॉपिक बचा हुआ है, डिफरेंस बिटवीन आयनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड, क्या आप लोग ये आपका HW रहा, क्या रहा? HW प्लस आप ये एसिड बेस सॉरी मेटल मेटल नॉन मेटल का सेकेंड पार्ट का दो चीज आपका रिमेनिंग रह गया, क्या क्या? डिफरेंस बिटवीन आयनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड प्लस सेकेंड पार्ट का क्वेश्चन आंसर, क्लियर? वो कब दे रहे आप? एमटी के बाद, एमटी आपका सैटरडे संडे को ही होगा, मंडे को भी होगा, ठीक है? आपका जब क्लास लगेगा एक्चुअली हम लोग बेटा पहले सुन लो, समझ लो, आपको बहुत जल्द चाहिए ना सर, सर आपने कल भी असाइनमेंट लगाए थे ना परसों, सारे मैं चला रहा हूं और सबमिट किए थे। एक्सटेंशन ऑफ मेटल का बचेगा, कौन कौन मेटल बचेगा इसमें आपका है, इसमें एक्चुअली मेटल का जो है ना आपका बहुत कम दिया हुआ है, कुछ दो चार मेटल का है, उसमें आपको बहुत बढ़िया से एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम दिया है, एल्युमिनियम का कैसे एक्सट्रैक्शन करते हैं, आपका जो प्रोसेस होना चाहिए वो आपको अच्छे से समझा देंगे किस तरह से एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन करता है, आपके इसमें बहुत कम दिया हुआ, बहुत ही कम दिया हुआ, लेकिन जिस हिसाब से दिया हुआ ना आई डोंट थिंक आप समझ पाओगे, आई डोंट थिंक आप लोग समझ पाओगे, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि जिस तरह से इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं उस मेथड से आपको समझाने का, ठीक है? कौन कौन दिया पहले समझ लो, आप में से कौन कौन दिया है, एक मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव में कौन कौन दिया एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में, ठीक है? पहले एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम दिया है, एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम दिया, ठीक है? वो तो सोडियम इजी वे में आप कैसे उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम दिया, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम दिया, ये हुआ आपका हाई रिएक्टिव मेटल। अब आपको दिया हाई रिएक्टिव अब लेस रिएक्टिव के बीच में, इसको लोग मॉडरेट बोलते हैं, समझ पाता है? दो वर्ड हाँ क्लियर। तो आपका मॉडरेट में, मॉडरेट में क्या क्या है पहले आप लोगों को बताते हैं, सिलेबस आपको समझ में आना चाहिए। जीन, जीन आपको पता है ना, जीन रे, देखो यहाँ पर दिख रहा है रिएक्टिविटी सीरीज लिखा हुआ है, देखा सबसे ज्यादा रिएक्टिव आपको पोटेशियम सोडियम कैल्शियम एल्युमिनियम, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव यहाँ तक मैंने दिखा, तो उसमें से आपको दो मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है, सोडियम को और एल्युमिनियम। अब मॉडरेट में चलते हैं, कहाँ चलते हैं? मॉडरेट। इसमें आपको जीन को लेना है, किसको लेना है? जीन को, ठीक है? कोई दिक्कत यहाँ तक में? कोई दिक्कत, बस एक ही मेटल दिया जीन। अब उसके बाद चलते हैं लेस रिएक्टिव में, समझ में आ गया? मॉडरेट बीच को है ना, मॉडरेट था। अब उसमें आपको लेस रिएक्टिव में क्या क्या चलना है, जैसे आपको निकालना है मरकरी निकालना है, हाइड्रोजन से नीचे गए हो, दिखा हाइड्रोजन यहाँ, हाइड्रोजन के नीचे मरकरी दिख रहा है, दिखा
सर ये के वजह से इजी का है ना ठीक है मलगड़ी दिख रहा है सुपर दिख रहा है बस ये दोनों को एक्सट्रैक्शन करना है क्लियर आलू जरा ठीक है बोला काम हो गया क्या आलू जरा ठीक है बोला काम ठीक है तो आपको अगर इतना से कर लेंगे उसके बाद फिर आपके पास हमको पढ़ाने के लिए कुछ नहीं बचेगा फिर आपको क्या क्या बचेगा बताते हैं वो सिर्फ आपके करने के लिए है रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है थ्योरेटिकल पार्ट अपना लिख देते हैं ठीक है मतलब कोरोजन पूरा कोरोजन लिख गया ठीक है रस्टिंग ऑफ आयरन करना है फिर प्रिवेंट कैसे करेंगे रस्टिंग को ठीक है फिर कोरोजन ऑफ एल्यूमिनियम करना है फिर कॉपर को करना है फिर सिल्वर को करना है गोल्ड को भी करना है क्या गोल्ड को करना है और प्लेटिनम को करना है फिर एलॉय एलॉय समझाएंगे एलॉय समझाएंगे व्हाट्सएप समझाएंगे ठीक है तब फिर आपका ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश तब आपका ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश चलो तो आज ये चैप्टर याद देख लिए करना क्या था हमको आप ये सारा चैप्टर को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कम से कम एक दिन में दो एक्सट्रैक्शन हम लोग को देख एल्युमिनियम में थोड़ा सा टाइम लगेगा ठीक है एल्युमिनियम में आप लोग को थोड़ा सा टाइम लगेगा बाकी आपको एक सिर्फ समझाने में जो टाइम लग जाए लग जाए और बाकी टाइम लगेगा नहीं क्या हाँ बाकी सबका प्रोसेस सबका सेम ही रहता प्रोसेस सबका सेम रहता और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन ये इतना बड़ा जो एरिया दिख रहा है ना इसी पे हम लोग मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं ठीक है लेकिन जहाँ पे एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस होता है ना पूरा मानिक सरकार का इतना चौक दिख रहा है बेटा इतना बड़ा बड़ा एक एक्सट्रैक्शन का फैक्ट्री होता है समझ में आ गया यहाँ से पूरा मानिक सरकार ले लो यहाँ से ले लेना ठीक है यहाँ से पूरा इतना बड़ा ओके आज से मेरी क्लासेस है मेरा